वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस तो देखिए सीटेट की प्रिपरेशन तो हो ही रही है आपकी बट हिंदी का गद्यांश आप लोग करते नहीं है तो वो मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूंगी क्योंकि बहुत बड़ा रोल होता है आप सभी को पता है बहुत आसानी तरीके से कम समय में सारे के सारे आंसर निकल आएंगे एंड सी हो गया प्लस ईवीएस इसकी मैराथन हो चुकी है चैनल पे जाइए विजिट कीजिए या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो को देखने के बाद वो प्लीज़ वीडियो देखना क्योंकि जो भी ऑनलाइन में सबसे हार्ड शिफ्ट थे उन्हीं की क्लासेस मैंने उसमें ली है एंड आज मैथ्स की भी 12 बजे आएगी मैराथन क्लास बहुत अच्छा है 12 बजे तक रेडी रहना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देना है ये आप लोगों को सबसे बड़ा डर रहता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे दें सब कुछ मैंने उसी सिस्टम पे करके दिखाया है आप जरूर जाइए देखिए कि मार्क फॉर रिव्यू कैसे करते हैं सेव एंड नेक्स्ट कैसे करते हैं लैंग्वेज कैसे चेंज करते हैं ठीक है ठीके? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बट पूरा है पहले ये देख लो फिर देखना एंड कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे तो वहाँ पर टेलीग्राम इंस्टाग्राम का भी लिंक है आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं तो चलो ये देखते हैं पैसेज देखो ये ऑनलाइन एग्जाम का ही है पैसेज और डेट मैं आपको बता देती हूँ 27 दिसंबर अब देखिए ये पैसेज जो है पहले क्या करते हैं बहुत से लोग ये पैसेज पढ़ने लगते हैं हमें ये गलती नहीं करनी है क्योंकि हमको क्या करना है अपना समय बचाना है तो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर वन लिखा है क्या करना है क्वेश्चन का केवल की वर्ड को याद रखना है दिमाग में पूरा क्वेश्चन वैसे भी आप नहीं याद कर सकते हैं आपको भी पता है लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्रों का प्रमुख कार्य नहीं है तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद से ना एक आइडिया मिल जाता है कि अच्छा पैसेज में समाचार पत्र की बात हो रही है उसका कार्य तो समाचार पत्र कार्य बस इतना ध्यान रखो अपने दिमाग में और जहाँ पर भी हमारा आंसर आएगा हम तुरंत रुक जाएंगे मैं एक साथ तीन क्वेश्चंस हमेशा पढ़ लेती हूँ एग्ज़ाम में और आपको भी यही करना है देखो लिखा है कि देश में अच्छे समाचार पत्र होना क्यों आवश्यक है फिर से समाचार पत्र की बात हो रही है इसका मतलब पैसेज में इसी के बारे में जरूरी बातें हुई हैं ये भी समाचार पत्र से रिलेटेड है चलो तीसरा देख लेते हैं एक और देश को सभी प्रकार के जागृत तथा सजीव रखने का अर्थ क्या है अब ये जागृत सजीव ये क्या चीजें लिखी हैं समझ में नहीं आ रही है ऐसा लगेगा आपको बट डरने की बात नहीं है तुरंत क्या करना है मूव ऑन होना है अपने पैसेज की तरफ पहला पैसेज क्या था कि समाचार पत्र होना क्यों आवश्यक है ये दूसरा था और पहला था कि इसमें से समाचार पत्र का कार्य नहीं है कौन सा नहीं है इसका मतलब इसका पैसेज में दिया होगा कि कौन सा कार्य है तो चलिए अब हम पैसेज पढ़ेंगे और पैसेज आप चाहें तो एक बार पूरा पढ़ सकते हैं बट अगर जहां आपको आंसर मिलता है आप तुरंत क्योंकि आपको पता है ना ऑनलाइन एग्जाम में एक ये पैसेज है बगल में एक क्वेश्चंस रहेगा केवल एक ही क्वेश्चन रहेगा दूसरे क्वेश्चन के लिए आपको मूव ऑन करना होगा ये मैंने दिखाया हुआ है उस वीडियो में तो एक बार में एक ही क्वेश्चन करते हैं ठीक है देखिए लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि आधुनिक युग में समाज यहाँ पर देखिए आधुनिक युग में समाज और राष्ट्र के जीवन में समाचार पत्रों का बहुत ही विशिष्ट और ऊंचा स्थान है बट अभी तक समाचार पत्र का कोई कार्य तो आया नहीं और आगे चलिए समाचार पत्र मानो अपने देश की सभ्यता संस्कृति और शक्ति के मानदंड बन गए हैं वे जनमत तैयार करते हैं अच्छा मतलब ये जो समाचार पत्र क्या है वो हमारे देश की सभ्यता संस्कृति और शक्ति के क्या बन गए मानदंड बन गए हैं वे जनमत तैयार करते हैं जिस देश में जितने अच्छे और जितने अधिक समाचार पत्र होते हैं वह देश उतना ही उन्नत और प्रभावशाली समझा जाता है बहुत से क्षेत्रों में जो काम समाचार पत्र कर जाते हैं यहाँ पर देखिए वे बड़ी बड़ी सेवाएँ और बड़े बड़े राजनीति भी नहीं कर पाते समाचार पत्र एक और तो जनता का मत सरकार और संसद पर प्रकट करते हैं दूसरी ओर देश में सुदृढ़ और संतुष्ट लोकमत तैयार करते हैं यह समाचार पत्र का क्या है काम है अब देखो जागृत वाला भी क्वेश्चन आया था तो पूरा पढ़ लेते हैं देश को सब प्रकार से जागृत तथा सजीव रखने में जितनी अधिक सहायता समाचार पत्रों से मिलती है उतनी शायद किसी और चीज़ से नहीं इसलिए आजकल समाचार पत्रों का बहुत महत्व है दो क्वेश्चंस तुरंत मिल गए कैसे देखिए एक तो पूछा था वहां पर कि जागृत तथा सजीव रखने का क्या मतलब है दूसरा आपसे पूछा था कि समाचार पत्र का कार्य कौन सा नहीं है तो है वाला तो पता ही चल गया ना कि समाचार पत्र का काम क्या है कि वे ये देखिए ये पूरा लिखा है कि एक और तो जनता का मत सरकार और संसद पर प्रकट करते हैं दूसरी ओर देश में सुदृढ़ और संतुष्ट लोकमत तैयार करते हैं तो आपको दो क्वेश्चन मिल गया देखा आपने क्वेश्चन पढ़ने का फायदा अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा होता तो पहले आप पैसेज पढ़ते फिर आप जाते क्वेश्चन पे फिर क्वेश्चन पढ़ते फिर दोबारा से पैसेज पे आते तो इसीलिए यही ट्रिक है जो कि मैं आपको बताऊंगी तो जो लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपको केवल एग्जाम कैसे क्लियर करना है ये नहीं मैं बताती हूँ गलती कौन सी नहीं करनी है ये भी मैं बताती हूँ तो मिल गया आपका दो आंसर चलो तो पहले समाचार पत्र का काम देख लो कौन कौन सा है ये ठीक है अब चलिए पहला पूछा है कौन सा कार्य नहीं है जनमत बनाना बोला था ऑफकोर्स जनता के विचार सरकार तक पहुंचाना बोला था ये दाल सब्जियों के भाव क्या पूरे पैसेज में आए हैं कहीं पर बिल्कुल भी नहीं तो इसको करने का एक और ट्रिक होता है ना कि चारों ऑप्शंस में से अगर आपको लगता है ना कि अरे इस ऑप्शंस की तो जिक्र ही नहीं हुआ है तो तुरंत उसको आप सही कर सकते हैं और शिक्षा का प्रसार करना ऑफकोर्स दाल सब्जी कहाँ पूछा है बिल्कुल नहीं पूछा है हमारा आंसर एकदम राइट ठीक है अब चलो दूसरा क्वेश्चन करो देश में अच्छे समाचार पत्र होना क्यों आवश्यक है अभी वहां पर बात हो रही थी ना क्यों आवश्यक है सरकार का समर्थन करने के लिए मजबूत व संतुष्ट लोकमत लोकमत तैयार करने के लिए एंड दिस इज राइट ऑप्शन नंबर टू नहीं भरोसा है तो चलो देख लेते हैं ये देखिए देश में आपको संतुष्ट लोकमत तैयार करता है समाचार पत्र ठीक है और बाकी ये सारी चीजें आपने देखा होगा कहीं पर भी सब्जी की बात नहीं हुई है तो ये भी आपका आंसर मिल गया ना कि संतुष्ट और लोकमत तैयार करते हैं अब यहाँ पर देखो समाचार देश को सब प्रकार के जागृत तथा सजीव रखने में जितनी अधिक सहायता समाचार पत्रों से मिलती है ये भी हो गया तो आपने देखा कितनी आसानी से हमारे क्वेश्चन हो रहे हैं आपका वहाँ पर मैंने अंडरलाइन करके दिखा दिया है तो ये हो गया इसका राइट आंसर मजबूत व संतुष्ट लोकमत तैयार करने के लिए एंड ये देखिए 131 अभी वहाँ पे मैंने पढ़ा था कि देश को सभी प्रकार के जागृत तथा सजीव रखने का क्या अर्थ है इसका मतलब आप क्या कर रहे हो देश की जनता को जागरूक व अपने विचारों को रखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जागृत का मतलब समाचार पत्र अगर अगर आप पढ़ते हो न्यूज़ वगैरह देखते हो तो आप इसे क्या होते हो जागरूक होते हो अपने विचारों को रखने के लिए प्रेरित करना यही चीज़ तो यहाँ पर है देखिए अंडरलाइन करके दिखाती हूँ कि देश को सब प्रकार से जागृत तथा सजीव रखने में जितनी अधिक सहायता समाचार पत्रों से मिलती है उतनी ही शायद किसी और चीज़ से नहीं इसलिए आजकल समाचार पत्रों का बहुत महत्व है क्यों क्योंकि आप उसे जागृत होंगे आप जो है जागरूक बनेंगे जागृत का मतलब क्या होता है जागरूक तो कुछ लोग एकदम लाइन बाय लाइन मिलाने लगे मिलाने लगते हैं ऐसा नहीं करना है आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जागृत का मतलब जागरूक होता है हो गया हमारा आंसर मिल चुका है और चलिए और ना आए बिल्कुल भी कैसा लगे अरे पता नहीं क्या लिख दिया है तो एक चीज़ याद रखो ढूंढने की कोशिश करो कि इस पैसेज में किसकी बात नहीं की गई है उससे भी आप आराम से निकाल सकते हैं चलिए अब ये देखिए देश की सभ्यता संस्कृति के मानदंड हैं अब पहले मैं इसको एकदम दिखाऊंगी इसलिए मैं बोलती हूँ कि पैसेज को क्या करना है नकल करना है नकल करना है ये मानदंड देखो आपको पैसेज में मिलता है या नहीं, नहीं भरोसा हो तो आज से कर लेना कि मैं ऐसे ही आपको कोई भी चीज़ नहीं बताती हूँ क्या आपने इस पैसेज को पढ़ा आपको कहीं पर भी ऐसा कुछ लगा मानदंड यहाँ देखिए समाचार पत्र मानो अपने देश की सभ्यता संस्कृति और संस्कृति के क्या बन गए हैं शक्ति के मानदंड बन गए हैं कौन बन गया है समाचार पत्र देखा आपने एकदम सेम एज इट इज लिखा हुआ है इसलिए कहती हूँ अपना दिमाग मत लगाना नकल कर लेना यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है सीटेट ने तो देखो, देखो देश की सभ्यता संस्कृति के कौन है मानदंड समाचार पत्र देख लिया ना आपने एकदम अंडरलाइन करके मैंने दिखाया है आपको चलो कितना आसान है अब एक या दो ही ग्रामर पूछा जाएगा और बहुत बेसिक ग्रामर से हैं एकदम टेंशन नहीं लेना है आराम से हो जाएगा देखो लिखा है कि सु सर्ग का उदाहरण नहीं है अब ये देखो पहला जो होता है ना वो उपसर्ग होता है लास्ट वाला क्या होता है प्रत्यय होता है तो उपसर्ग मतलब पहले का पूछ रहा होगा ये चीज़ पहला वाला जो भी है इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुउपसर्ग नहीं है ये बहुत ईजी है देखो यहाँ पर सू लिखा है सुधन योग सुधन स्पष्ट लिखा है सुधन दृढ़ अब ये बताओ सदाचार लिख दिया है सु कहाँ से इसमें मिलेगा उपसर्ग आप खुद सोचो ना तो अगर ना भी आए तो कॉमन सेंस यूज करके निकाल लो और ऑनलाइन एग्जाम में पूछा है ऐसा भी नहीं है कि कई सालों बहुत पहले जो है अकबर के ज़माने में पूछा है तो देखा आपने कितना आसानी से निकल गया सदाचार क्यों क्योंकि इन सब में देखो सु लिखा है सु सुयोग सुस्पष्ट सुदृढ़ आराम से हो गया इसलिए मैं बोलती हूँ आपको ज़्यादा किताबों पे नहीं अपना खुद का दिमाग यूज करना है प्रैक्टिस करनी है मिल गया अब चलो इस पर देखो देश में अच्छे समाचार पत्र होना आवश्यक क्यों है अभी आपने देखा ना एक बार और दिखा देती हूँ देश में अच्छे समाचार पत्र होना क्यों आवश्यक है मैं सब कुछ आपको यहाँ पर प्रूफ दिखाना चाहती हूँ आप खुद सोचिए कि यहाँ पर अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि समाचार पत्र की वजह से क्या होता है वह देश उतना ही उन्नत और प्रभावशाली समझा जाता है जहाँ पर क्या होता है जितने अधिक समाचार पत्र होते हैं जिस देश में और बहुत से क्षेत्रों में क्या होता है समाचार पत्र किए जाते हैं मैं होती है आपकी जगह तो मैं ये सारा नहीं पढ़ती बट मैं आपको एक दिखाना चाहती हूँ कि नकल होता है इसमें यहाँ तक हम लोग देख लिए थे देश को सब प्रकार के जागृत तथा सजीव रखने में जितनी अधिक सहायता समाचार पत्रों से मिलती है उतनी शायद किसी और चीज़ से नहीं इसीलिए आजकल समाचार पत्रों का बहुत महत्व है समझ गए आप कि क्यों महत्व है समाचार पत्र का और समाचार पत्र क्या करते हैं उन्नत और प्रभावशाली समझा जाता है जितने अधिक समाचार समाचार पत्र जहाँ पर होते हैं क्यों क्योंकि एक ओर तो ये जनता का मत सरकार को देते हैं संसद पर प्रकट करते हैं दूसरी ओर देश में क्या करते हैं सुदृढ़ और संतुष्ट लोकमत तैयार करते हैं तो इसको कर ये मैंने इसलिए पढ़ा कि अगर आपको लास्ट में लगे कि अरे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा एकदम से आप टेंशन हो गए पैनिक ले लिए पैनिक हो गए हैं तो आपको क्या करना होगा पॉजिटिव वाली चीजें देखनी होंगी देखो देश को अच्छे देश में अच्छे समाचार पत्र होना आवश्यक है क्योंकि पहला समाचार पत्रों की बिक्री बढ़ जाती है क्या आपने कहीं पर बेचने खरीदने की बात सुनी नहीं सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होता है मतलब एकदम माल वाल पैसा वैसा प्राप्त होता है इसकी भी कहीं बात नहीं हुई है तीसरा देखो तीसरा लिखा है कि सरकार द्वारा सरकार तक जनता के विचार पहुंचाना तथा लोकतंत्र को मजबूत करने में आपने देखा था ना जनमत तैयार करना कि संसद तक बात पहुंचनी चाहिए तो ये सारी चीज़ें किस में बात हुई है समाचार पत्र होगा तभी तो पहुंचेगा आपका विचार लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है यही है देश में तानाशाही लाने में ये सारे ये जो तीनों है ना इसकी तो पैराग्राफ में कहीं जिक्र भी नहीं हुआ है कहाँ जहाँ पर भी जिक्र ना हो तो वैसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं ये राइट हो गया ठीक है अब चलो पैसेज पूरा सॉल्व हो गया और समझाया है मैंने इसलिए टाइम लगा है खुद से करोगे ना तो मुश्किल से पाँच मिनट लगेंगे आपके पाँच क्वेश्चन पर एक मिनट ही लगेगा देखो अब ये आ गया एक ग्रामर जो लोग ग्रामर से बहुत डरते हैं उन्नति का विलोम क्या है अब खुद सोचो क्या अधोगति आपको लग रहा है इसका विलोम क्या पतन लग रहा है उनने नहीं तो थोड़ा सा सिमिलैरिटीज़ भी देखने की कोशिश करो और पता हो तो बहुत अच्छी बात है उन्नति का विलोम क्या होता है अवनति जिसे नहीं याद हो याद कर लो कई बार पूछा हुआ है ये सीटेट में तो आप बताइए क्या आपको आज के बाद से पैराग्राफ से डर लगेगा और अगर नहीं लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करो ये मत सोचो कि अगर आपने इसको शेयर कर दिया तो कहीं उसका निकल ना जाए ऐसा कभी नहीं होता है अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ भी होगा और आपके आस के लोगों के साथ भी अच्छा होगा तो ये तो अच्छी बात है ना तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बारह बजे मैराथन की क्लास है ये वीडियो देखने के तुरंत बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ या फिर चैनल के प्ले लिस्ट जाओ चैनल पर जाओ और वहाँ से सी डी पी ई वी एस की मैराथन क्लास देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है उसका डेमो मैंने दिखाया है वो देखिए क्योंकि ये सारी प्रिपरेशन आपको एग्ज़ाम से पहले ही करनी है और ये आपको कोई नहीं बताएगा मैं ही आपको बताऊंगी तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से तैयारी तैयारी कीजिए आपका सीटेट जो है अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग